चुके वसीला से सुने। So I go to thank you one more time. Let's welcome our international servant, Pastor Craig. Hallelujah. Hallelujah. तालियों में बहुत कमी है, तालियां नजर नहीं आ रही। Yes, that's good. हम ये हमारे मेहमान हैं जो कि हमारे साथ शामिल हैं। सो आए खुदा का कलाम उनके वसीले से आज सुनेंगे। Now it's over to you, Pastor Craig. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, 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 amen. We thank God for today. हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं. And we want to pray before we start. और मैं चाहता हूं कि हम इससे पेशर कि हम खुदा के कलाम को सीखें, मैं चाहता हूं हम दुआ करें. स्वयं अपनी आंखों को बंद करें. Before we pray, I want to say, God bless all of you for coming. और मैं इससे बेशक कि हम दुआ करें, मैं आप सबको खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आप खुदा के घर में मौजूद है। मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। There's someone here, you were waiting very, very eagerly to come to the house of God. God bless you. और यहाँ पर कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है, कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो बड़ी बेसब्री से आज संडे की इबादत का इंतजार कर रहा था। Someone you were giving your children food to eat very quickly so that you can come to the house of God. God bless you. और आप में से कोई ऐसा शख्स हो जहां पर मौजूद है जो कि आज बड़ी बेसब्री से यहां आया कि मैं जाऊं और खुदा की बरकत को मैं आज अपने साथ रिसीव करके लेकर आऊं। Someone you were saying to your family, hurry up, we have to go to the house of God. God bless you. और आप कोई एक ऐसा शख्स भी यहाँ मौजूद है जो अपने घराने को बड़ी जल्दी जल्दी तैयार कर रहा था कि जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, हमें इबादत के लिए पहुंचना है। Some wife and husband were having an argument just because they want to make sure they go to the house of God. Hallelujah. Hallelujah. और कुछ यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा भी बैठा हुआ है कि जो खुदा के घर में आने से पहले जो बड़ी काफी सारी बातचीत करके आए कि मुझे जाना और जल्दी जाना है और तुम भी जल्दी आ जाओ। God bless all of you, and I want to tell you that heaven has seen all the things that you're doing. Hallelujah. Hallelujah. और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ खुदा के घर के लिए और अपने लिए कि हम जल्दी से खुदा के घर जाएं करते हैं, खुदा हर चीज देख रहा है और उसके विवश आपको बरकत देता है। Amen. Praise the Lord. खुदा के नाम की तारीफ। Hallelujah. Hallelujah. The message of our sermon today, or the title for today's sermon, is called Travail. Can you repeat, please? Travail. Travail means working hard. Travail. Working hard? Travail. Travailing. Travail. To travail in prayer, to travail in hard work, to travail. आज हमारा जो मजमून है वो बेदार दिल है जो खुदा के लिए हर वक्त बेदार रहता। I want us to turn our Bibles to Isaiah 66. Isaiah chapter 66 from verse 8. हम खुदा के कलाम से सीखेंगे यशायाह नबी का सहीफा उसका 66वां बाब और उसकी 8वीं आयत। Isaiah 66 verse 8. हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी की किताब As soon as Zion travailed, she brought forth her children. I want somebody to read it in Urdu. Sure. Chapter 66, verse number 8. हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। और लिखा है, ऐसी बात किसने सुनी? ऐसी चीज किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबार की एक कौम पैदा हो जाएगी? क्योंकि सय्यून को दर्द लगी थी और उसकी औलाद पैदा होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। It says, as soon as Zion traveled, she brought forth her children. और यहां पर लिखा है कि जिस तरह सय्यून को दर्द लगेगी और वो बच्चे पैदा करेगी। हालेलुया।
As soon as Zion travailed, she brought forth her children. और जिस तरह से सय्यून को जब दर्द लगी तो उससे औलाद पैदा हुई. सुनिए, the Lord is saying to us right now that as soon as we travail in prayer, we are going to bring forth the answered prayer. और आज जिस तरह मैंने कहा कि बेदार दिल और जो खुदा का कलाम इस बात से हमें सिखाना चाहता है, और जब हमारे अंदर उस कलाम की दर्द लग जाती है तो हम भी फलदार होना शुरू हो जाते हैं. हालेलुया, आमेन. The Bible says Jesus traveled in prayer in Gethsemane. His sweat became blood, and that is why you and I have our salvation. Hallelujah. और हम जिस तरह देखते हैं गतसमनी बाग में यीशु मसीह किस तरह बेदारी के साथ किस तरह दुआ में मशगूल होता है, और वो पसीना जो उसे गिरता है वो खून के कतरों में तब्दील होता चला जाता है, और हम देखते हैं कि किस तरह वो बेदारी के साथ दुआ में मशगूल हो जाता है. Hallelujah. Today the Lord is telling me that there is a parent here, you want your second child, you've been traveling, but you don't get a child, the child gets destroyed, so many things are happening, but today you are going to travel in labor and you're going to get your child in the name of Jesus. Aur khuda ke kalam से मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं, एक नबूवत करना चाहता हूं कि यहां कोई ऐसा जोड़ा बैठा है जो खुदा से दुआ कर रहा है कि हमें दूसरी बार औलाद की नेमत से जो है अता कर, और वो इस बात के लिए मुसलसल दुआ कर रहे हैं और बहुत सी मुश्किल उनको दरपेश आती है और जिसकी बदौलत जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं. सो आज वो बहाल होंगे. As you are traveling with the applications, you're going to get the good job. Hallelujah. Hallelujah. और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे से कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो दुआ कर रहा है नौकरी के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपको आज वो दुआ की दर्द लग जाएगी तो खुदा आपको नौकरी बढ़ाया करेगा. हालेलुया, हालेलुया. इससे बेशक जो आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर फ्रैंक के बारे में, ये नबूती कलाम बहुत ज्यादा करते हैं और पूरी दुनिया में ये जहां कहीं नबूवत करते हैं वो पूरी होती है. हालेलुया. सो आज इमाम से अपनी बर्कत को रिसीव कीजिएगा. हालेलुया. The Lord is going to do a miracle in your life today as you are traveling in the prayer. Hallelujah. आज खुदा आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा काम करना चाहता है. जिस तरह हमने पढ़ा कि सय्यून को दर्द लगी, आज उसी तरह अगर आप दुआ में, अगर आपको दुआ की वो दर्द लग जाए, वो आपको बेदारी अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो आज वो आपकी जिंदगी में भी वो नबूवत जो मैं करता हूँ वो पूरी होगी. हालेलुया. This ministry is going to be a very big ministry because you are all traveling in the prayer. Hallelujah. Hallelujah. मैं बताना चाहूँ क्योंकि ये मिनिस्ट्री हाउस ऑफ प्रेयर इंटरनेशनल बहुत जल्द एक बड़ी मिनिस्ट्री बनने को है, क्योंकि आप सब बेदारी के साथ और दर्द के साथ दुआ में मशगूल रहते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. से हालेलुया, हालेलुया. कहिए हालेलुया. आवाज बहुत कम है. कहिए हालेलुया. यीशु के नाम से. आवाज बहुत कम है. कहिए यीशु के नाम से. हालेलुया. What is the meaning of traveling? What is the meaning of traveling? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये traveling का मतलब क्या है? Traveling means to work hard and you will get the result. और traveling का मतलब है कि आप मेहनत करते जाते हैं, करते चले जाते हैं, और बड़े दर्द के साथ, एक दिल के साथ जब आप मेहनत करते हैं तो आप उसका फल जो है वो पाते हैं. Travel का मतलब जो है वो यही है. Hallelujah. Today the Lord is going to bless you as you are traveling in the prayer. Hallelujah. आज खुदा आपको बरकत देना चाहता है क्योंकि आप दुआ में दर्द के साथ जो है वो दुआ कर रहे हैं. Hallelujah. There is someone here. Every day you are so afraid because you have been working, but you don't get anything out of it. और यहाँ पर कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से फल उसका नहीं मिलता. यहाँ पे कोई ऐसा शख्स भी बैठा हुआ.
But in the name of Jesus, we curse that, and you're going to find the result of your traveling in Jesus' name. और आज मैं बताना चाहता हूं कि जो भी यहां पे ऐसा शख्स मौजूद है आज दुआ की बदौलत उसकी ये मुश्किल हल होने को है. हालेलुया, आमेन. हालेलुया. There is someone here who has been sleepless. You have not been sleeping so many nights, but today the Lord is saying, because you are praying, you're going to have the peaceful sleep in Jesus' name. Amen. यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कई रातों से सुकून की नींद नहीं सो पाया. मैं रूह में महसूस कर सकता हूँ. ये कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है जो कई रातों से बेचैनी की नींद सो रहा है, लेकिन आज इबादत में शामिल होने के बाद वो सुकून की नींद घर पे सोएगा. हालेलुया, हालेलुया. द इज़राइलाइट वुमेन, द हिब्रू वुमेन, द बाइबल सेज दैट द फैरो वांटेड टू किल द चिल्ड्रन. So Pharaoh sent his people to go and kill the children. But before they got there, the people traveled, the Israelites, the ladies, they got the babies before the enemies got there. और मैं ये इस बात में आप सब इस कहानी से वाकिफ है कि फिराउन ने क्या किया. उसने कहा कि जितने भी छोटे बच्चे हैं इसराइल के, क्या करो, सबको कत्ल कर दो. लेकिन क्या वो सब कत्ल हुए थे? नहीं, क्योंकि इसराइल की बहुत सी ऐसी औरतें थी जो There is an enemy. There is an enemy that wants to come and destroy the fruit of your labor. And today we curse that enemy in the name of Jesus. और मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक दुश्मन है, एक अनदेखा दुश्मन है जो आपकी मेहनत को जो है वो जाया करता है. लेकिन आज के बाद जब आप ईमान से खुदा की हजूरी में बैठेंगे और जब उस दर्द के साथ जब आप दुआ करेंगे तो आपकी मेहनत अब जाया आज के बाद से नहीं होगी. हालेलुया, हालेलुया. सुनिए राधे हाल से. The Bible says there was a man who woke up early in the morning to go to his farm. और बाइबल बताती है कि एक शख्स था, वो रात को सोकर जब सुबह उठता तो वो सुबह जल्दी उठकर वो अपने फार्म में जाया करता था ताकि वहां पर काम करे. He got all his friends and said, come and help me, we have to sow the rice, we have to make the food ready because the people are hungry and we have to make it ready for the people. और वो क्या कहता है कि मेरे और अपने साथ वो कुछ दोस्तों को भी ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि हमें चावल की फसल तैयार करनी है क्योंकि लोग क्या है, भूखे हैं. They were sweating and they were weeding the farm and they were growing the maize, they were growing the rice, everything they were doing very good. और इसी तरह से वो हर मौसम के अंदर कभी चावल कभी गंदम और इस तरह से कभी मकई लगाते और वो बहुत मेहनत, उनका बड़ा पसीना निकला करता था और वो बड़ी मेहनत से अपने खेत में फसलें लगा करते थे. But the Bible says in the night the enemy came to sow the bad things in the farm. और बाइबल बताती है कि रात के वक्त सारा दिन वो मेहनत करते थे और रात के वक्त में दुश्मन आता और उसमें खराब ऊन कटारे जो है वो भी उगाकर उसमें बीज उनका बोकर वो चला जाता था. सुनिए, they woke up in the morning and they said, what is happening right now? We sowed the good seed, but what is happening in the farm right now? और वो जब सुबह उठते तो वो देखते कि हमारे खेत में आखिर ये होता क्या है. हम दिन भर अच्छा बीज अपने खेत में लगाते हैं और जब रात के बाद हम अगली सुबह अपने खेत में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि दुश्मन ने ऊंट कटारे और ये अंदर लगाता है, फिर ये हो क्या रहा है हमारे खेत में. They said an enemy has done this, an enemy has done the bad thing inside our land. और वो इस बात को समझ गए कि एक दुश्मन है जो रात के पहरों में आता है और हमारे खेत को खराब कर जाता है. The question is, which enemy has destroyed your good work? Which enemy is fighting against you? और सवाल आप सोचते हैं, ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा, आखिर कौन ऐसा दुश्मन है? Hallelujah. 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 Yes, please.
Hallelujah. 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 So we are going to stand. Hallelujah. आपकी आवाज नहीं आ रही हो. We are going to all stand. We are going to stand and we are going to pray. We are going to pray because some enemy wants to destroy our land. और मैं चाहता हूं भाई अपने कदमों पे खड़े हो क्योंकि आज वही दुश्मन हमारी जमीन को भी खराब करना चाहता है. Everyone is going to stand up. We are going to stand up. We are going to pray. हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर दुआ करेंगे और हम उस आज उस अंधे के दुश्मन को हमने शिकस्त देनी है. This is the house of prayer. This is the house of prayer. And when you come to the house of prayer and you are praying, the Lord will answer your prayer. Hallelujah. Hallelujah. Yes. और ये खुदा. Yes. It says that the enemy came in to sow the bad things in the farm. और जिस तरह हमने सुना कि दुश्मन आकर उस खेत में बुरी चीजें बो जाता था. The enemy came and sowed sickness in your family. That's your land.